क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब्स। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो क्रिया का विशेषता बतलाए, हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। या विशेषण में विशेषता होता है, और किसका विशेषता बतलाएगा, यानी यह वर्ब का विशेषता बतलाएगा, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया का विशेषता बतलाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यह जो जैसे मैं देखिए ही सिंग्स ब्यूटीफुली, WLY, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाता है, कैसा गाता है, सुंदर ढंग से गाता है। यानी ब्यूटीफुली जो मेरा ये वर्ड हो गया, ये मेरा एडवर्ब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, यू लिव हैप्पीली, वह कैसे रहता है, सुखी पूर्वक रहता है। हैप्पीली में क्या होता है, सुखी पूर्वक। आप जो देख लिए एडवर्ब को कि किस प्रकार से यह जो है बताता है, और ये भी जान गए कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अब हम इनके प्रकारों को जानेंगे। एडवर्ब 6 प्रकार का होता है। एडवर्ब कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का एडवर्ब होता है। कौन सा होता है ये आप जानिए। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में हम किस प्रकार से इसको इंडिकेट करेंगे? ही प्ले, जैसे मैं आई प्ले टुडे, तो यह जो है टुडे जो दिखा रहा मेरा, आज दिखा रहा, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है सीता
विल गो टुमारो तो ये टुमारो जो है मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम सो हो रहा है। दूसरा उदाहरण और हम देख लेंगे। सी सिंग्स टू नाइट, यह जो मेरा टू नाइट हो गया यह मेरा जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। दो नंबर हमारा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वर्ब ऑफ प्लेस यह क्या हो जाएगा स्थानवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण सन इसको हम लोग कम हेयर यहां जो यह जगह है यहां यह जो बोल रहा है ये जगह का है यहां एक जगह है प्लेस है इसलिए हमारा जो है कम हेयर यहां यहां आओ तो ये जो यहां का जो है हमारा क्रिया विशेषण कौन सा क्रिया विशेषण है प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। एयर एयर इज एवरीवेयर हवा जो है सभी जगह है तो हमारा जो सभी जगह जो हो गया एवरीवेयर जो हो गया हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग दूसरा को जानेंगे फिर एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें मैनर क्या होता है यह गुण होता है इसमें रीति जो है आप लोग को किस प्रकार यह कैसे किस प्रकार से वह करता है यह दिखाता है एडवर्ब में। तो इसका एग्जांपल है यू स्पीक स्वीटली You speak sweetly, sweetly जो मेरा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। She sings badly, यह जो मेरा badly जो हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा को हम जानेंगे
एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, यह इसमें क्वांटिटी मात्रा को बताया जा रहा है। एग्जांपल्स पे हम लोग जानेंगे, ही इज वेरी हैप्पी, वह खुश है, कितना खुश है, बहुत खुश है। तो हम लोग का जो है वेरी जो हो गया, वेरी यह हो गया मेरा परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। The dog, dog is barking loudly. LAUDLY, loudly, यहां लगा दीजिए वेरी। डॉग इज बार्किंग वेरी loudly। तो यहां जो बहुत जोर से जो हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, यह जो है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। हम लोग और आगे देखते हैं और क्या क्या है। एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। हिंदी में हो जाएगा स्वीकारात्मक और नकारात्मक। ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। तो इसमें कौन सा वर्ड आ जाएगा? जैसे इस सब में जो वर्ड आ जाएगा यस, नो, नॉट, नेवर, ये जो शब्द है जो यह है एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। सेंटेंस हमारा किस प्रकार से इसका बनेगा? यस आई एम,
नो सी इज नॉट, ये जो मेरा हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एंड एफर्मेटिव। हमारा अंतिम है एडवर्ब का 6 नंबर इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। यह जो है प्रश्न पूछकर इस और लास्ट में जो अंत में है प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है इसमें। जैसे मैं हाउ इज सी, हाउ इज सी, वह कैसी है, व्हाई डू यू क्राई, ये जो मेरा प्रश्नवाचक जो पूछ रहा है ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आप एडवर्ब को आप पढ़ लिए। एडवर्ब कितना प्रकार का होता है, एडवर्ब जो है 6 प्रकार का होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनेज, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये 6 प्रकार का एडवर्ब है जो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ चुके हैं।